वेजिटेरियंस को विटामिन बी 12 मिल सकता है फोर्टिफाइड खाने से या सप्लीमेंट से, लेकिन कुछ वेजिटेरियंस के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि विटामिन बी 12 प्राइमरली एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है। वेजिटेरियंस जो दूध और अंडा खाते हैं वो बी 12 को दूध, पनीर, दही और अंडा से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्टिफाइड फूड्स जैसे कि प्लांट बेस्ड मिल्क, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, न्यूट्रिशनल यीस्ट और मीट सब्स्टिट्यूट्स भी बी 12 प्रोवाइड कर सकते हैं। वेजिटेरियंस को अपनी बी 12 इनटेक पर ध्यान देना जरूरी है और उन्हें अपने आहार में फोर्टिफाइड फूड्स या सप्लीमेंट्स को शामिल करने का विचार करना चाहिए ताकि वो अपने पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा कर सकें। नियमित ब्लड टेस्ट्स भी यह जानने में मदद कर सकते हैं कि बी 12 लेवल्स सफिशिएंट हैं या नहीं। बी 12 इंसान के लिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम और रेड ब्लड सेल्स को स्वस्थ रखता है। बिना सफिशिएंट बी 12 के आपको अनीमिया हो सकता है और नर्वस सिस्टम की समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि कुछ लोगों में वीकनेस, चक्कर आना और मेमोरी लॉस। इसलिए बी 12 का सेवन जरूरी है स्वास्थ्य और एनर्जेटिक रखे के लिए। बी 12 की अच्छी सोर्सेज वेजिटेरियन लोगों के लिए है, जैसे कि दूध, दही, पनीर और छोटे छोटे पैकेट में भेजे गए सोया प्रोडक्ट्स। इसके अलावा दूध के साथ फोर्टिफाइड सीरियल्स और न्यूट्रिशनल यीस्ट भी बी 12 का अच्छा सोर्स है। और अगर आपको नॉन डेयरी ऑप्शंस चाहिए तो आप टोफू, फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड मिल्क और ब्रेकफास्ट सीरियल्स ट्राई कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आप रेगुलरली बी 12 सप्लीमेंट्स भी लें अगर आपकी डाइट में सफिशिएंट बी 12 नहीं है। आप चना, मूंग और राजमा जैसे दालों को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये भी बी 12 के कुछ मात्रा में होते हैं। ध्यान रखें कि दूध के अल्टरनेटिव्स जैसे आलमंड मिल्क और सोया मिल्क भी फोर्टिफाइड हो ताकि आपको ज़रूरत की मात्रा मिल सके। आप फर्मेंटेड फूड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सॉरक्राउट, किमची और फर्मेंटेड पिकल्स, जो थोड़ा थोड़ा बी 12 प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो बी 12 लेवल्स रेगुलर चेक कराते रहें और डॉक्टर से सलाह लें ताकि आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो सकें।